सब इतना ही है कि जो कमरे में बैठे हुए, कमरे में कैद बैठे हुए, जो एसी में जो अधिकारी है, वो अधिकारी कहीं ना कहीं जागरूक हो। ये कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमारे जो कर्मचारी है, ये कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए थोड़ा पीछे पीछे चलो कोई बात। तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं गोलीबार चौक पे और यहाँ पर माननीय श्री बंटी शेलके जी, जो नगर सेवक है और कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता है। हमने देखा कि अभी मोमिनपुरा के अंदर भी सर, हमने देखा कि अभी आप मोमिनपुरा के अंदर भी मास्क बांट रहे थे सर, तो ये मास्क अभी आपने कितने मास्क बांटे होंगे अंदाजन सर, और रोज के कितने मास्क आप बांट रहे हैं? करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि मोइज हो गया, मैं हो गया, इरफान काजी हो गए, राजू अंसारी हो गए, मुबशीर अहमद हो गया, शोएब खान हो गया, उसके बाद हमारा एक महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस का हमारा भाई है जो सचिव है, फजलुर रहमान कुरैशी हो गया, फैजान हो गया, अजहर हो गया, और सभी हमारे भाई जो जितने भी साथी है, कुणाल खड़गी, हेमंत कातुरे, स्वप्निल लोके, माधव जुगेल, तो ये सभी साथियों के माध्यम से करीब करीब 15,000 मास्क जो हमने मोमिनपुरा में वहाँ पर बांटे है। ये 15,000 मास्क सर आपने कितने दिन में बांटे? ये अभी करीब करीब हो गया इसको एक 17-18 दिन। लेकिन मास्क बांटने के बाद में भी, यानी जो भी आ रहा है हम सबको मास्क दे रहे हैं वहाँ पर। हाँ, लेकिन मास्क बांटने के बाद में भी दिखाई ये दे रहा है कि कोई मास्क पहन रहा नहीं है, तो सभी को मेरे जो सभी भाई है, यानी मोमिनपुरा के हमारे निवासी होंगे, अंसार नगर के होंगे, डोबी नगर के होंगे, बोरियापुरा के होंगे, कसापुरा के होंगे, अभी यहाँ मस्जिद के पास में होंगे, तो नाल साहब चौक के होंगे, तो सबकी मेरी गुजारिश है कि 80% लोग तो सभी मास्क पहन रहे हैं, लेकिन 80% पहनने से कुछ होगा नहीं, जो बाकी की 20% हमारे जितने भी भाई मास्क नहीं पहन रहे ना, तो उन लोगों ने भी मास्क अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर, करते हुए दायित्व समझकर अपना मास्क उन्होंने पहनना चाहिए, ताकि ये कोरोना का प्रादुर्भाव जो दिन ब दिन जो बढ़ते आ रहा है, और नागपुर में एक जीना हराम नागपुरवासियों का जिस प्रकार से हो गया है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, नागपुरवासियों से भी, मैं जो हमारे महल क्षेत्र के, गाड़ीखाना क्षेत्र के, सिरसपेट क्षेत्र के, गोलीबार चौक क्षेत्र के, इतवारी क्षेत्र के, सभी से भी मैं गुजारिश करूंगा, आप सभी लोगों ने जो है मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनने से कहीं ना कहीं पर हम लोग जो है यह महामारी का हम लोग जो है एक अच्छी तरीके से हम लोग सामना कर सकते, इसलिए मास्क हमने पहनना चाहिए। सर ये बहुत खुशी की बात है कि सर आप लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं, और हमने देखा भी है कि मास्क खत्म, जब आपके पास का मास्क खत्म हो गया, तो हमने अपने आंखों से देखा कि कुछ बच्चे वहां पर थे बिना मास्क के गए, तो आप फार्मेसी की दुकान पर गए और अपने पर्स को जेब में हाथ डाल के वो बच्चों को अपने पैसों से मतलब मास्क दिलाकर दे रहे हैं सर, के मास्क तो आपने बांट दिए, 15,000 मास्क बांटे हैं। नहीं, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी जेब से ना बांटते हुए, कि हमारे एक चाचा है जिन्होंने मेरे चुनाव में भी बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया था, कामठी क्षेत्र से आते हैं, एक साजा सेठ जी का आपने नाम सुना होगा, कि उनके माध्यम से कहीं ना कहीं पर जो है उनका यही कहना है कि आगे बढ़ चढ़ कर बच्चों जो है आप लोग काम करते रहो, कोई भी चीज़ की जरूरत अगर रही तो आप मुझे बताओ, और उनके माध्यम से कम 10,000 मास्क हमने अभी तक बांटे हैं, और वो मास्क जो है मेहो में भी बांटे, जो हमारे मेहो में भी बांट गए, मेडिकल में भी मास्क अभी तक बट गए, मोमिनपुरा में तो मेरे साथी जो है इरफान काजी हो गया, मोहित शेख हो गया, राजू अंसारी हो गया, मुबशीर हो गया, शोएब हो गया, इनके माध्यम से मास्क वहाँ पर बटी रहे। बस इतना ही हमारी एक सभी से दिली ख्वाहिश है कि तहे दिल से मैं उनका इन्हें समझ लीजिए एक ख्वाहिश ऐसी है कि सब लोगों ने मास्क पहनना चाहिए। और रही बात तो बाकी ये सब साथी जो है, साथी आपने अगर देखा होगा कि हमने शहीद आजम भगत सिंह जी की यहाँ पर टी शर्ट पहनी है, ये हैशटैग नागपुर एसएस भी हम लोग चला रहे हैं, COVID-19 की हेल्पलाइन भी हम लोग चला रहे हैं, और इसके माध्यम से जो है 105 साथी, पहले सिर्फ हम 17 साथी थे, लेकिन आज ये कड़ी बनते बनते जो है करीब करीब 105 साथी हो गए, और 105 साथी निरंतर दिन रात जैसा भी हो सकता है दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कि प्रयास करने के बाद में हमारे सभी साथी किसी न किसी प्रकार की जो है मदद, किसी न किसी प्रकार की मदद जो है हमारे द्वारा ये लोगों की हो सके, और कहीं ना कहीं पर ये कोरोना महामारी से हम लोग एक तरफा जंग हम जीत सके, और इसमें सभी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, मंच हो गई, सेना हो गई, और उसके बाद में और भी जो सामाजिक संगठन है, ये सभी सामाजिक संगठन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सभी नगर सेवक, सभी विधायक, सभी सांसद, राज्यसभा के सांसद हो, नागपुर के सांसद हो, नागपुर के विधायक हो, पश्चिम नागपुर के विधायक हो, मध्य नागपुर के हो, पूर्व नागपुर के हो, आपके दक्षिण पश्चिम के हो, अभी बगल में ही हम सम्माननीय विकास जी कुमारे जिनके साथ में मेरी लड़त हुई थी, और थोड़े से मात्रा में मैं हार गया था, लेकिन हमारे जो चाचा लगते विकास कुमारे जी, उनका भी बेहतरीन काम शुरू है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हमारे नगर सेवक गायब है, कोई नगर सेवक गायब नहीं है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया हमारा स्ट्रांग है, स्ट्रांग इंटेलिजेंस की एक पहले से हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, और जवान लड़के अपना अपना अपने अपनी जिम्मेदारी से मतलब बाखुदी काम कर रहे हैं। अभी नगर सेवक 151 नगर सेवक जो
जनता ने चुनकर दिए हुए नगर सेवक है और जो गोआप में भी की नगर सेवक है, ये सभी नगर सेवक, हर पार्टी का नगर सेवक जबरदस्त तरीके से अपने अपने हैपत से वो सभी की मदद वो कर रहा है। हम यहाँ पर गोलीबार चौक पे खड़े हैं, तो गोलीबार चौक पे जैसा आपकी ये टीम पूरी साथ में है सर, आपकी ये टीम साथ में है और आपकी टीम को लेकर सर अभी आप गोलीबार चौक में आप नया क्या करने वाले हैं सर? नया ये करने वाला बोले तो जिस प्रकार से जो है 42 दिनों से निरंतर हमारे साथी जो है निरंतर दिन रात, मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले हम लोग 17 साथी थे लेकिन अभी 105 साथियों की ये चेन यह बन चुकी है, मास्क लगाओ मास्क, ये चेन बन चुकी है और इसके माध्यम से जो है यह निरंतर हम लोग सैनिटाइजिंग का भी काम करना शुरू है। निर्जंतुकीकरण भी हमको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि महानगर पालिका के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके 4 लाख 5 लाख जिनके पगार है, लेकिन वो लोग अपने एसी रूम के अंदर में बैठे हुए हैं, एक प्रॉपर आंकड़ा जो है नागपुर शहरवासी को दे रहे नहीं कि कितने लोग जो है कितने लोग अभी एडमिट है, कितने लोगों के एक्सपायर्ड हो गए, लेकिन हम लोग जो है मेवो मेडिकल के माध्यम से और बाकी भी रुग्णालयों के माध्यम से, प्राइवेट हॉस्पिटल के भी माध्यम से जिस प्रकार से मदद जो है, ये सभी साथी हमारे नागपुर एसओएस के साथी, युवा कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से मदद करने के लिए दौड़ रहे हैं, महानगर पालिका के जो निचले क्रम के जो कर्मचारी है जबरदस्त वो काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा है, डॉक्टर्स लोग कोरोना योद्धा है कुछ डॉक्टर्स को छोड़ के, लेकिन महानगर पालिका के जो बड़े अधिकारी है, बड़े अधिकारी से मेरी फिर से एक बार विनती है कि अगर समझ लीजिए कुछ लब्जों से अगर समझ लीजिए तितर बितर पूरे बड़े बड़े अधिकारी आयुक्त तो बोलो, विभागीय आयुक्त तो बोलो, ये सब लोग अगर हो सकते होंगे तो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल हमने करना नहीं किया, वो लफ्जों का इस्तेमाल मैं फिर से करना नहीं चाहता क्योंकि वो लफ्जों का इस्तेमाल करने के बाद में मुझे सदर थाने में मेरे खिलाफ है और मेरे साथियों के भी खिलाफ है, भैया मास्क लगाओ ऊपर मास्क लगाओ, तो उनके भी खिलाफ है जो है यहाँ पर गुना दाखिल किया है, कोई गुना से हम लोग डरते नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि कहीं ना कहीं पर एक लफ्जों की वजह से अगर समझ लो खलबली अगर मछली है तो इस प्रकार के लफ्जों का इस्तेमाल हमने करना नहीं किया क्योंकि नागपुर वासियों की जान जा रही है। यहाँ पर जो है प्राइवेट अस्पताल वाले जो है यहाँ पर नंगा नाश प्राइवेट अस्पताल वालों का शुरू है और ये तीन प्रकार जो है लाखों का बिल ये उनके सर पर मंडरा कर, क्योंकि अगर समझ लीजिए कोई भी एक मरीज अगर अपने घर पर अगर जाता है तो उसके बाद में उसके घर के 4 लोग जो है वो 4 लोग मरीज हो जाते हैं क्योंकि वो कर्जे की तरह वो लोग दब जाते हैं। बीपी किट का बिल अगर देखा जाए तो 45-50 हज़ार रुपये बीपी किट का बिल, तो महानगर पालिका के अधिकारी सो रहे हैं। ये सवाल जो है महानगर पालिका जिनके भी नेतृत्व में महानगर पालिका चल रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, मन से, उसके बाद में आपकी युवा सेना भी हो, बसपा भी हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आने वाले समय में जब भी ये कोविड-19 का ये प्रादुर्भाव जो है ये खत्म हो जाएगा नागपुर शहर से, फिर हम लोग बताएंगे कि इसमें किसकी गलती थी और किसकी नहीं। इसलिए आज जो है जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल कम करने का हमारा किसी भी प्रकार से हमारा विचार नहीं है, बस इतना ही है कि सब लोग मिलकर काम करो, असंभव को संभव बनाना है और सभी साथियों को मिलकर नागपुर को हमको फिर से एक बार बचाना है। आपके ऊपर ये समझा भी 4-5 दिन पहले लकड़गंज पुलिस स्टेशन से भी कार्रवाई हुई थी, तो सर मैं जान सकता हूँ कि वो कार्रवाई किस मामले में हुई आपके साथ में? जी मैं फिर से कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि विभागीय आयुक्त साहब को मैंने करीब करीब 7 दिन हो गए कि विभागीय आयुक्त जी को और आयुक्त जी के नाम पर सम्माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी जो हमारे मार्गदर्शक है यानी पिता तुल्य है, उसी के साथ साथ में हमारे पश्चिम नागपुर के विधायक सम्माननीय जिनके नाम में डेवलपमेंट है यानी ऐसे हमारे विकास जी ठाकरे जी इनके नेतृत्व में कही है, या फिर हमारे विधायक अभिजीत वंजारी जी है इनके नेतृत्व में हमने एक डेपुटेशन वहाँ पर लेकर गए थे और डेपुटेशन लेकर जाने के बाद में वहाँ पर यह कहा गया था कि रेडियंस अस्पताल का विषय अभी तक हमने कम से कम 5 से 6 कंप्लेंट हमने लकड़गंज थाने में वहाँ पर डाली हुई है। लकड़गंज थाने की जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट के माध्यम से यहाँ पर ऐसा कंप्लेंट इसलिए डाली थी क्योंकि वहाँ पर एक अगर समझ लीजिए 61 साल का एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग अगर वहाँ पर एडमिट थे, एडमिट रहने के बाद में काका सोशल डिस्टेंस एडमिट रहने के बाद में उनको 4.5 लाख रुपये जो उनका बिल बनाया था और बोल रहे थे कि ये 4.5 लाख रुपये आप भरो तो हम आपका जो है ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं पर ये मनुष्यवत का गुना इनके पर में दाखिल होता नहीं गया। दीपक वर्मा करके एक व्यक्ति थे जो नरेंद्र नगर में रहते थे, 44 साल जिनकी उम्र थी, पहले बताया क्रिटिकल है बाद में बोले नॉर्मल है, उनकी जो वाइफ है अर्धांगिनी जो है स्वर्गीय दीपक वर्मा जी की जो अर्धांगिनी है जो नरेंद्र नगर में रहती है, वो शाम में वहाँ पर गई पीपी किट पहन के वो दीदी गई और वो वहाँ के जो बाउंसर थे रेडियंस अस्पताल के जो बाउंसर थे उन्होंने उनको रोका और रोकने के बाद में कह रहे थे वो दीदी पीपी किट के लिए पैर पड़ रही थी, उसके बाद में भी उनको ऊपर जाने नहीं दिया और दीदी का कहना था कि कहीं ना कहीं पर अगर मेरे पति अगर मेरा चेहरा अगर देखेंगे तो क्रिटिकल कंडीशन से निकलते और वो नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन उनको जाने दिया नहीं। 10:50 में फोन आया कि एक्सपायर्ड हो गए, पूरी की पूरी फैमिली रेडियंस अस्पताल के सामने आई और सामने आने के बाद में यही पता चला कि 10:50 में फोन तो आ गया कि मर गए, एक्सपायर्ड हो गए, उनकी डेथ हो गई, लेकिन 11:15 जब उनका जो भतीजा है राहुल वो रेडियंस अस्पताल में गया और रेडियंस अस्पताल में जाने के बाद में राहुल को 11:15 डॉक्टर सुमित जो वहाँ पर आरएमओ है वो आरएमओ ने बताया कि इनकी डेथ नहीं हुई, इनकी क्रिटिकल है, जबकि रस्सी जो मुंह में लगी हुई थी।
यानी उनका यही काम था कि रात भर फिर से वेंटिलेटर पर रखो और सुबह 10 बजे बॉडी दो ताकि 25,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपये फिर से उनके खाते में हम लोग उनके सर के ऊपर में मटरा दे सकते हैं। और फिर लकड़गंज थाने के एक विलास पाटिल सम्माननीय जो बहुत अच्छा काम यानी अमितेश कुमार जी के नेतृत्व में जो है महानगर अपना पुलिस प्रशासन कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि महानगर पालिका भी आयुक्त साहब के नेतृत्व में उसी की प्रकार से काम करे। आयुक्त महोदय का कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से एक प्रशासनिक दबाव हमारे अमितेश कुमार जी जो पुलिस के जो आयुक्त है उनका है, उसी प्रकार से इसके पहले जो तुकाराम मुंडे जी थे उनका एक चेहरा अमितेश कुमार जी का एक चेहरा है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ के आयुक्त हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का उनका वैसा चेहरा है करके, तो इसलिए रेडिंग अस्पताल के खिलाफ में हमने बार बार हमने वहाँ पर यही कहा था कि भैया ये देखो ये जो मरीज है, ये मरीज आने वाले समय में कुछ भी कर सकते, वो मैं शब्दों का उच्चार नहीं करना चाहूँगा जो शब्दों का उच्चार मैंने वहाँ पर किया था, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति जो है परिस्थिति प्राइवेट अस्पताल के मरीजों की, मेडिकल के मरीजों की, उसके बाद में मेयो के मरीजों की हम लोग देख रहे हैं, तो देखने के बाद में दिमाग काम नहीं कर रहा है, हड़बड़ाहट हो रही है और लग रहा है कि और हम लोग क्या कर सके, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप यहाँ पर मतलब गोलीबार चौक में और कहाँ कहाँ पर मतलब ये मध्य नागपुर से मैं यहाँ पर चुनाव में लड़ा था, लेकिन मध्य नागपुर से चुनाव लड़ने के बाद में भी मेरे प्रभाग अठारह में भी नयन तरवटकर हो गया, सागर चौहान हो गया, वसीम शेख हो गया, आकाश गुजर हो गया, शुभम निखाड़े हो गया, समीर योले हो गया, रोशन पंचमुजे हो गया, पंकज विक्रम हो गया, अमन रुकम हो गया, इनके माध्यम से प्रभाग अठारह में भी हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और काम करते करते अभी ये समय नहीं है, ये खुद का क्षेत्र बनने का समय नहीं है। जितने भी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े नेताओं से मेरी फिर से एक बार आपके तत्काल न्यूज़ के माध्यम से मेरी विनती है कि अगर समझ लीजिए कोई भी अगर नेता, कोई भी अगर पेशेंट अगर समझ लो पूर्व नागपुर होगा, उत्तर का होगा, मध्य का होगा, दक्षिण का होगा, दक्षिण पश्चिम का होगा, पश्चिम का अगर होगा, तो अगर आपके यहाँ से अगर फोन अगर मेयो अस्पताल में अगर जाता है तो 95 जिसकी HRCT 10 है यानी जो नॉर्मल है, जो जमात इस्लामी हिंद जबरदस्त काम कर रही है यहाँ पर बगल में पाचपोली पुलिस स्टेशन के बगल में उनका कोविड सेंटर है, तो वहाँ पर भी आप एडमिट कर सकते, लेकिन आप वहाँ पर प्रेशर लाकर वहाँ पर मेयो मेडिकल में आप कहते हो कि ऐसा ऐसा पेशेंट आने वाला है आप उसके लिए जगह रिजर्व करो, लेकिन उसके वजह से होता क्या है कि जो क्रिटिकल जो बेचारा असहाय गरीब जो मरीज है वो गरीब मरीज को कहीं ना कहीं भी उसको बेड बेचारे को मिलती नहीं है, उसकी लाश जो है मेयो मेडिकल या प्राइवेट अस्पतालों से उसकी लाश ये बाहर आती है। इसलिए बड़े नेताओं से विनती है कि अपना अपना क्षेत्र बांधने का ये समय नहीं है, ये समय जो है साउथ कश्मीर से या केरला से कोई भी पेशेंट भी अगर अपने यहाँ पर आया तो वैसी पेशेंट को हमने सबसे पहले अगर देखना चाहिए कौन क्रिटिकल है उसको सबसे पहले बेड उपलब्ध करके देना चाहिए और नॉर्मल जो पेशेंट है नॉर्मल पेशेंट को हमने ऑक्सीजन चढ़ाना चाहिए। ये मेरे बड़े नेताओं से विनती है जो किसी भी पार्टी के नेता हों। शिल्की जी आप बताइए कि अभी आप जो सैनिटाइजर का आपका प्रोग्राम है तो आप ये सैनिटाइजर कौन से एरिया में करने वाले हैं? अभी ये कौन से एरिया में अगर समझ लीजिए जिस प्रकार से अभी जो कल हमने जो है सदर परिसर के हमें अखिलेश राजन, तुषार मंडे और निहालपुर के तौसीफ खान इनके माध्यम से जो हमने सदर में हमने वहाँ पर सैनिटाइजिंग किया था, महल क्षेत्र में हमने सैनिटाइजिंग किया हुआ है, गणेशपेट में हमने किया हुआ है, हमने पूर्व नागपुर में हमारा अक्षय घाटोले जो हमारा पूर्व नागपुर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है उसका चालू है, दक्षिण नागपुर में गिरिजी पांडव इनके माध्यम से, शुभम तल्लार इनके माध्यम से दक्षिण नागपुर में भी सैनिटाइजिंग चालू है। आज जो है गोलीबार चौक से शुरू होकर हम लोग प्रभाग बीच का जितना भी 3-4 घंटे में हो सकता है उसका वहाँ पर सैनिटाइजिंग करने वाले प्रभाग बीच। धन्यवाद। बार बार जो है महानगर पालिका के सम्माननीय आयुक्त राधाकृष्णन जी इनका हमने समय बार बार मांगा, विभागीय आयुक्त में जो भी चीज़ें हुई थी वो जो भी चीज़ें होने के बाद में आप सभी को पता है कि विभागीय आयुक्त में क्या हुआ था, कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने के बाद में अगर समझ लीजिए खड़बड़ाकर अगर मनपा प्रशासन अगर उनको सोई हुई मनपा प्रशासन कहीं ना कहीं पर जाग अगर खड़ा उठता है तो बार बार फिर से हम लोग जो है महानगर पालिका के सम्माननीय आयुक्त परम पूजनीय आयुक्त महामानव ऐसे सम्माननीय आयुक्त राधाकृष्णन जी का बार बार हमने समय मांगा, समय हमको दिया नहीं गया और कल से भी मैं निरंतर उनसे समय मांग रहा था तो कल उनकी हेयरिंग थी, मामले वाला ठीक है, लेकिन आज भी जो उनका समय मांगने के बाद में अगर समझ लीजिए महानगर पालिका के आयुक्त अगर 2 घंटा अगर खड़े रखते हैं और उसके बाद में अंदर जाने के बाद में उनके जो स्वीय सहायक है जो भी उनके पीए होंगे वो सम्माननीय पीए साहब ने बताया कि आपको अंदर बुलाया गया है करके आप अंदर जाइए, ठीक है, हमने सारे नियमों का पालन करते हुए मैं अकेला वहाँ पर अंदर जा रहा था, अंदर मैं गया और अंदर जाने के बाद में अगर समझ लीजिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल एक इतने बड़े पद पर बैठने वाले पीठासीन अधिकारी जो आयस है वो अगर उनके शब्दों से उनके लफ्जों से जो निकला हुआ जो शब्द है तू बाहर रुक, मैं कोई चोर डकैत और लुटेरा तो हूं नहीं, मैं एक यही महानगर पालिका के जो बाकी सम्मान्य जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रवादी के हमारे बसपा के सेना के या हमारी अपक्ष दीदी नगर सेविका जो है सभी लोग जो है हम लोग नगर सेवक है, हम लोग हमको नागपुर की जनता ने हमको चुनकर दिया हुआ है और इस प्रकार का अगर समझ लीजिए बर्ताव अगर महानगर पालिका के आयुक्त के माध्यम से अगर हो रहा होगा तो ये उचित नहीं है, यह उचित किसी भी प्रकार से नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि रेडियंस अस्पताल के बारे में अभी तक आपने कार्रवाई की क्या,
रेडियंस अस्पताल जो है, रेडियंस अस्पताल पे अगर देखा जाए तो पूरे संपूर्ण नागपुर में या संपूर्ण विदर्भ में सबसे ज्यादा अगर डेथ रेशियो अगर समझ लीजिए कहीं पर अगर हो रहा होगा, किसी अस्पताल में अगर हो रहा होगा तो रेडियंस अस्पताल है। तो ऐसे अस्पताल के लिए मैं बार बार विभागीय आयुक्त आयुक्त महोदय इन सभी लोगों के यहाँ पर हम लोग चक्कर मारे, और चक्कर मारने के बाद में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का हमको वहाँ से जवाब हमको मिल नहीं रहा है रेडियंस अस्पताल के लिए लेकर। अगर आप लोग इसी प्रकार से धीरे धीरे अगर कार्रवाई अगर करते रहोगे तो रेडियंस जो अस्पताल है, रेडियंस अस्पताल में रोजाना 7 से 8 डेथ का वहां पर रेशियो है, लोग बेचारे मासूम लोग मर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यही आज ये नागपुर एसओएस की जो टीम है, ये टीम ने बस यही हम हमारा कहना है कि जब तक आप अभी रेडियंस अस्पताल को आप सील करोगे नहीं, तब तक मैं खुद के कार्यालय में जो है मैं वहां पर आज अनशन पर बैठने वाला हूँ, और अनशन पर बैठने के बाद में जब तक आप लोग यह रेडियंस अस्पताल को सील करेंगे नहीं, तब तक मैं अपने अनशन से वहां से उठूंगा नहीं। आपने जिस प्रकार से सभी नागपुरवासी बोलो या सभी लोगों ने बोलो, जिस प्रकार से हमने विभागीय आयुक्त कार्यालय में वहां पर कुछ चंद लफ्जों का इस्तेमाल किया था, वो लफ्ज भले ही गलत थे, लेकिन जिस प्रकार से आकाश गुजर, वसीम शेख, मैं, हेमंत ठाकुरे, इरफान काजी, मुहसिन अहमद, शोएब खान, राजू अंसारी, स्वप्निल डोके, नयन तरवटकर, राज भोपड़े, और उसके बाद में समीर रेले, शुभम निखाड़े, रोशन पंचवदे, पंकज मिश्रा, अमन लुटे, रोहन कुलकर्णी, शुभम तल्लार हो गया, समीर तिमांडे हो गया, उसके बाद में हमारा अनिकेत निम्बो ने, हमारे ग्रामीण के जो साथीगण है, एक हितेश बंसोड़ भी हमारा साथी है, लेकिन वो भले अलग सामाजिक कार्य से वो काम करता हुआ वो भी जबरदस्त काम कर रहा है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो वाड़ी का हमारा अश्विन भैंस हो गया, पप्पू मेंडे हो गया, कलमेश्वर के हमारे साथी हो गए, काटोल के हमारे साथी हो गए, उमरेड के हमारा शुभम गिरडकर हो गया, जिशान खान हो गया, प्रतीक दबाले हमारा कुही का हो गया, मुक्तिपुरी में अगर देखा जाए तो नागेशगुरी के माध्यम से वहां पर काम हो रहा है। हर जगह से जो साथी है, हजारों की तादाद में साथी, यह पैंडेमिक के समय में, महामारी के समय में, प्रादुर्भाव पूरे के पूरे नागपुर में सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में हमको पता है कि आठवें क्रमांक पर जो है नागपुर है, और उसके बाद में भी इस प्रकार का अस्पताल ताई भी जो है पुलिस विभाग से, स्पेशल ब्रांच से। ताई आप वीडियो लीजिए, और ये वीडियो सम्माननीय आयुक्त अमितेश कुमार जी, इनको भी आप दिखाइए। और हम पहले से कहते आ रहे कि जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर सम्माननीय अमितेश कुमार जी के नेतृत्व में पुलिस विभाग जिस प्रकार से काम कर रहा है, और पूरे के पूरे लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है आयुक्त अपना सम्माननीय अमितेश कुमार जी की है, पुलिस आयुक्त की, तो उसी प्रकार से हमारे महानगर पालिका के जो आयुक्त है, और जिनकी भी सत्ता होगी या नहीं भी होगी, जो भी है, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों के नेतृत्व में महानगर पालिका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती क्या? इसलिए अगर तू बाहर रुक इन शब्दों का इस्तेमाल अगर समझ लो इस प्रकार से, अगर आयुक्त महोदय कर रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि नहीं उस दिन जो है विभागीय आयुक्त में इन्होंने गलत भाषा का ढंग उपयोग किया था, उपयोग करने के बाद में जो है ये लोगों ने इस प्रकार से जो भी सारी चीजें वायरल हुई होगी, अगर वो चीज अगर उनके दिमाग पर अगर लगनी होगी तो कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए रेडियंस अस्पताल के ऊपर जब तक कार्रवाई करेंगे नहीं, सील करेंगे नहीं, तब तक मैं और मेरे साथ में मेरे जो तमाम जो साथी है, ये तमाम साथियों को मैं अनशन में इसलिए नहीं बैठा रहा हूँ कि हैशटैग नागपुर एसओएस के माध्यम से हम लोगों ने निरंतर मेडिकल में, मेओ में, डागा में, सुपर स्पेशलिटी में, जहां जहां पर सरकारी दवाखाने, हमने जो वहां पर जो सेवा हमारी जो जारी है, खाने की सेवा जो जारी है, औषधि दान करना जो हमारा जो शुरू है, लोगों की मदद से वहां पर जो है मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम वहां पर जो जारी है, प्राइवेट अस्पतालों में अगर समझ लो किसी को बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन अगर किसी को लगता है, वो अगर समझ लो किसी को अगर लग रहा होगा, तो ये नागपुर एसओएस, हैशटैग नागपुर एसओएस के माध्यम से हम लोग वहां पर हमारी निरंतर जो सेवा जारी है। उसके बाद में हमारा एक नागपुर शहर युवक कांग्रेस का हमारा उपाध्यक्ष है सहदेव गोस्वामी, उसके माध्यम से जो जो लोग घर पर क्वारंटाइन है, जिनके घर में अगर समझ लो कोई पति पत्नी अगर क्वारंटाइन होगी तो घर पर वो बच्चों के लिए खाना बनाने वाला कोई है नहीं, उनके लिए भी खाना बनाने वाला कोई नहीं। आज तक अभी 227 परिवारों तक हैशटैग नागपुर एसओएस के एक सदस्य के माध्यम से, उनकी 12 लोगों की टीम के माध्यम से वो ऐसे घरों में भी वहां पर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तरीके से किसी को ऑक्सीजन अगर लग रहा होगा तो नयन तरवटकर के माध्यम से, जो है नयन तरवटकर के 12 लोगों की टीम है, उनके माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना या फिर रिफिल कराना, ये काम शुरू है। हमारा कैप्टन हेमंत कातुरे के माध्यम से जो है किसी को अगर बेड अगर लग रहा होगा, फिर हमारे एक साथी है अभिषेक जैन जो मॉडल स्क्वायर पर रहते हैं, ये तमाम ये 14 लोगों की टीम है, ये 14 लोगों की टीम के माध्यम से जो है किसी को भी अगर बेड अगर कहीं पर अगर लग रहा होगा तो वहां पर जो है उनको बेड दिलाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद आकाश गुजर हो गया, वसीम शेख मोहम्मद सिंह, ये जो लोग हैं ये लोग सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पर मेरे अस्पताल में रहते हैं, और निरंतर उनकी सेवा जारी रहती है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो रात में आकाश गुजर हो गया, मोहित शेख हो गया, हमारा मोहम्मद सिंह हो गया, राजू अंसारी हो गया, इरफान काजी हो गया, ये लोगों के माध्यम से, समीर येवले हो गया, सागर चौहान हो गया, ये लोगों के माध्यम से निरंतर ये लोग रात में मेहू में शाम को 5 बजे से लेकर तो सुबह के 5 बजे तक, कभी कभी 2, अभी पेशेंट की संख्या थोड़ी बहुत कम हो गई थी, इसलिए ये लोगों की निरंतर वहां पर सेवा जारी है।
और ये बाकी तमाम मेरे जो साथी है, हमारे बाकी और तमाम साथी है मेयो में मेडिकल में निरंतर खाना देने का वहां पर काम कर रहे हैं, औषधि प्रदान करने का काम वहां पर कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा एक साथी है, हमारा व्यवहार अनिकेत व्यवहारे हो गया, रमन सिन्हाड जी का लड़का, एडवोकेट रमन सिन्हाड जी बड़े एडवोकेट, उनका लड़का जो है ऋग्वेद सिन्हाड, उनके माध्यम से भी वो लोग प्लाज्मा, वो भी एक टीम हमारे हैशटैग नागपुर एसओएस के माध्यम से वो लोग आज जुड़े थे, वो भी लोगों का निरंतर वहां पर काम जारी है। इसलिए मेरा कोई भी तमाम साथी जो है ये अनशन पर न बैठते हुए, क्योंकि अगर अनशन पर अगर बैठे तो कहीं ना कहीं पर जो है लोगों का उस पर एक जो लोगों का एक भरोसा और लोग जो है एक आस लेकर हमारे पास में जो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर लोगों का वहां पर ये होगा नुकसान होगा। इसलिए आज ये रेडियंस अस्पताल को जब तक रेडियंस अस्पताल को जब तक सील करते नहीं तब तक हम लोग जो है रेडियंस अस्पताल वहां से अनशन पर उठेंगे नहीं। और फिर से एक बार ये सम्माननीय आयुक्त महोदय जो है परम पूजनीय परम पूज्य जो आयुक्त महोदय है, ये आयुक्त महोदय ने जिस प्रकार से वहां पर वाणी का अपना उपयोग किया कि तू बाहर रुक, अभी हम लोग जो है हम अपने तरीके से उनको बताएंगे, अपने तरीके से अगर देखिए बताएंगे कि अगर आपकी कहीं ना कहीं पर महानगर पालिका की साठगांठ अगर ये इनके साथ में अगर है, इनके साथ रेडियंस अस्पताल वालों के साथ में अगर साठगांठ है, तो जब तक ये रेडियंस अस्पताल को ये सील करेंगे नहीं तब तक हम लोग अपना अनशन छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।